आप नो आंगन देख नाले सारे भाई बहना ने घना घना राम राम सा। तो आज बहुत ही एक इजी और आसान तरीका हूँ, नए तरीका हूँ गुड़ का गुलगुला बनाने की विधि और रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान तरीको है और बहुत ही खाने स्वाद भी है। और के सामान चाहिए, क्या क्या बनाया जाए झटपट बनाने वाला, तो अब थे देखो कभी कई तरीकों बनाना है और के सामान चाहिए। लियो जी, एक कटोरी मैदो लियो है, मैदे छान के साफ कर लियो है। और एक कटोरी सूजी बराबर मात्रा बारीक वाली सूजी है, मैदो सूजी दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। और इन भी परात के अंदर छान लिए, दोनों आटा ने मिला दिया है। मिलाने के बाद में से को गुड़ गोल तैयार कर रखे, गुड़ को बिन एक चलने की सहायता हूँ दूसरे पतीले के अंदर छान लियो है। और दोनों कटोरी जो को मिक्स आटो वो मिला दियो, गुड़ के अंदर अच्छे तरीकों में को गोल तैयार कर लियो। जो गुड़ थोड़ा टाइट है तो बच्चे जो गुड़ है वो और मिला के इन्हें जो पेस्ट तैयार करा, वो हाथ बढ़िया तरीकों मिला के और पतलो तैयार करना, बहुत ही पतलो यही तरीकों तैयार करना है। पतीलन प्लेट बंद करके 12 घंटा रात भर इन्हें रख देना है। सुबह से पतीलन लिया भी टाइम में एक नारियल कच्चो नारियल की कतरन बारीक करके एक कटोरी भर ली, और एक कटोरी में एक चम्मच इलायची का दाना बारीक कूट लो। और पतीला के जो प्लेट हटा के देखा ना तो आपने जो पेस्ट तैयार कर रहा है भी कह जो उबट के जहाँ जलेबी को आटो बनावा भी तरीका उबट के वो बिल्कुल तैयार हो गया है। एक कटोरी नारियल को जो कतरन करेड़ी है वह भी के अंदर पेस्ट में डाल दी है ताकि यहाँ को बहुत स्वाद बढ़ना है। एक चम्मच इलायची बारीक कूट के वो भी जो गुलगुला को पेस्ट अभी के अंदर डाल के अच्छे तरीकों में मिला दिया है। इलायची और नारियल की कतरन डालना हो आगो टेस्ट और दोनों बढ़ जाएगो और बहुत ही जहाँ जलेबी को है ना भी तरीकों में तैयार हो जाएगो। एक कढ़ाई के अंदर सरसों को तेल डाल के गरम कर लिया, और गरम होने के बाद में गुलगुला छोटी बड़ी साइज में आप आपकी पसंद हो गुलगुला बना लो। गुड़ का गुलगुला थोड़ा सा डार्क बने, कोई की इच्छा हो तो चीनी को भी पानी तैयार करके चीनी का भी गुलगुला बना सको, वह आप आपकी पसंद हो, और मीठा फीका जो भी है वह घटा बढ़ा आपकी इच्छा के अनुसार कर सको। ताज गेहूं का आटा का गुलगुला बहुत बार खाएड़ा है, एक बार थे मैदो और सूजी का बना के ज़रूर खाओ, और थाने कया का लग गया मैं बढ़िया लग गया मैं तो थे कमेंट जरूर करोगा, और मारी बताई रेसिपी एक बार ज़रूर अपनाओ थे। मारो वीडियो और मारी रेसिपी थाने की सीख लगी भाभी कमेंट करोगा और लाइक करोगा शेयर करोगा, नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थार तक पहुंच सके। बाद में थोड़ी सी पकौड़ी बनाई बेसन की, और पकौड़ी की जी की रेसिपी है वह पीछे के वीडियो के अंदर डाली एडी है, तब दोबारा भी लिंक डाल देंगे। तो गुलगुला और बेसन की पकौड़ी बनके बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गई। तो बरसात का टाइम में बहुत ही बढ़िया लगे। लो जी अब थारों करा मैं राम राम, फिर मिला अगले दिन वीडियो के सागे।